हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं सीटेट 2019 में भाषा प्रथम हिंदी का पेपर। यह सीटेट का प्रथम पेपर है जो कि 7 जुलाई को 9:30 से 12 बजे के बीच हुआ है। इसमें हम भाषा प्रथम के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि 91 से लेकर के 120 तक के प्रश्न हैं। इसमें सबसे पहला गद्यांश है 91 से 99 तक। निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द है। इसका जो सही आंसर है वो है स्वार्थी। अगला सवाल है, पाठांश में प्रयुक्त आध्यात्मिक शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है। इसका सही आंसर है अधि प्लस एक प्लस ता। ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो। इसका जो सही आंसर है वह है चौथा, सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहे। कठोर सत्य किसे कहा गया है? पैसेज के हिसाब से कठोर सत्य कहा गया है भौतिक संसार की तुच्छता। निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है? अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम पर सेवा के लिए सबको प्रेरित करें। धर्म के आचरण का उद्देश्य है अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उड़ते रहते हैं। अनुच्छेद में प्रयुक्त उपर्युक्त अशुद्ध वाक्य को 4 भागों में बांट दिया गया है, जिनमें एक भाग पहचानिए जिसमें अशुद्धि हो। तो इसका आंसर दूसरा है, शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानिए। तो इसका आंसर भी दूसरा है, सत्यवादी। बाकी में सद्गुण, सद्गति और सद्कर्म आएगा, इसलिए सत्यवादी इनमें से अलग है। यहाँ पे कविता है, यानी यहाँ पे काव्यांश है। आपको इसके भी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो इसके जो आंसर हो सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ शुभ कार्य करते हैं या शुभ कार्य होते हैं। अगला सवाल है, पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। तो पैर शब्द का जो समानार्थी नहीं है वह है नव। नव का मतलब नया होता है, बाकी पैर के समानार्थी शब्द हैं। कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं, क्योंकि सबसे पहले हम भारतीय हैं। समाज की दृष्टि से शेष से भिन्न पद है, तो वह है अपनी अपनी, क्योंकि बाकी में खान और बान, मिलना और जुलना, रहन और सहन, और अपनी अपनी समानार्थी शब्द है, तो इसलिए यह सबसे अलग है। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से। कथन में तूफान का भाव है आक्रमण। अंडमान से कश्मीर है भारत से या भारत में दूरस्थ। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? इसका सही आंसर होगा भाषा का विविध गद्य साहित्य। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा का समृद्ध परिवेश। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है कथन वह है, भाषा कौशल एक कर्म में ही अर्जित किए जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई लिखना पहले सीख सकता है तो कोई बोलना पहले सीख सकता है। अगला सवाल है, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो त्रुटियां का अर्थ है भाषा अज्ञानता, यह बिल्कुल सही नहीं है।
निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? तो आकलन के लिए सबसे उपयोगी होगा ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बातचीत करना। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है भाषा का प्रभावी प्रयोग। बच्चे सामाजिक अंतर्क्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? यह विचार है वायगोत्स्की का। प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बाल साहित्य। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है भाषा परिवेश। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? लिखित परीक्षा। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अर्थ, यानी पढ़ने के साथ साथ उसका अर्थ भी ध्यान में रखना चाहिए। बच्चों को लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विचारों की अभिव्यक्ति, यानी बच्चों को अधिक से अधिक अभिव्यक्ति का मौका मिलना चाहिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।